हमीरपुर में एक बेटे ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते पुत्र ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या की है। पहले पिता के साथ पीट पीट कर उसकी हत्या कर पुत्र अपने पिता के शव को बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकल गया। साथ ही अभी पुत्र फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर से सत्यम सिंह की रिपोर्ट। देखिए, ये हत्या का मामला है। इसमें जो बुजुर्ग हैं जिनकी लाश मिली है, इनका नाम गया प्रसाद है और ये बरौली थाना क्षेत्र चिकासी के रहने वाले हैं। इनके दो पुत्र हैं जिनका नाम जो है चंद्रवान और जीवनलाल है, और चंद्रवान के दो पुत्र रिंकू और सचिन है। रिंकू आपराधिक प्रवृत्ति का है। इनमें रिंकू और उनके जो पिताजी यानी चंद्रवान और उनका दूसरा भाई इन पर दबाव डाल रहे थे कि वो जमीन पर लोन ले लें, और इस बात पर लेकर के ये उनको जबरदस्ती कल रात में ले गए थे और इनकी चोट पहुंचा करके जो है हत्या कर दी है।